चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स का आज 11वां दिन है। 11वें दिन भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपना जलवा बरकरार रखा। बता दें, भारत ने एशियन गेम्स में कमाल करते हुए तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत के लिए ज्योति वेनम और ओजस देवातले ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और फाइनल में कोरियाई जोड़ी के प्लेयर्स को मात देकर जीत अपने नाम हासिल कर ली। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय प्लेयर्स बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्योति वेनम और ओजस देवातले ने फाइनल में रिपब्लिक ऑफ कोरिया की जोड़ी को हराया। ये मेडल जीतने के साथ ही भारत ने एशियन गेम्स में एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। तीरंदाजी के कंपाउंड मिक्स्ड इवेंट में ज्योति वेनम और ओजस देवातले ने 159 का एक स्कोर किया, जबकि कोरियाई जोड़ी ने 158 का स्कोर किया था। भारतीय जोड़ी के सामने कोरियाई जोड़ी टिक नहीं पाई और मुकाबला हार गई। बता दें, इससे पहले तीरंदाजी में ज्योति और ओजस ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की जोड़ी को हराया था। इस बार एशियन गेम्स 2023 में खिलाड़ियों के धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने 71 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें 16 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर लिया है। अभी एथलेटिक्स और रेसलिंग में काफी इवेंट बाकी है, जिससे भारत को और मेडल मिलने की उम्मीद है। भारत ने एशियन गेम्स 2018 में कुल 70 पदक जीते थे। बता दें, इस बार एशियन गेम्स में भारत की ओर से 100 से ज्यादा मेडल लाने का टारगेट रखा गया है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।